वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ग्रीन फंक्शन का, और ग्रीन फंक्शन का जो टॉपिक है वो अब इसमें से अपने पास में पार्ट सी के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये अपने पास में क्या है 5 मार्क्स का क्या एक चैप्टर है। इसमें हम जो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हमको दिए गए उन क्वेश्चन को देखेंगे, और हम उन क्वेश्चन में ग्रीन फंक्शन का यूज किस प्रकार से करते हैं उसको देखेंगे। चलो आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है द ग्रीन फंक्शन जी एक्स और एक्स डैश फॉर द इक्वेशन। अपने पास ये क्वेश्चन दी गई है, और इस इक्वेशन के लिए बाउंड्री कंडीशन अपने पास में है y0 पे वैल्यू 0 और y1 पे वैल्यू भी क्या है 0। तो सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा इसका, इसका सॉल्यूशन अपने पास में हो जाएगा, ये मेरे पास क्या इक्वेशन दी गई है, इस तरह की अपने पास कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन अपने पास में क्या होता है वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये मेरे पास क्या हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपने पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब मैं बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा, बाउंड्री कंडीशन अपने पास में y0 पे वैल्यू कितनी है 0, तो मैं इसमें y और x के जगह 0 रखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ए ये 0 प्लस बी। y0 पे वैल्यू मेरे पास कितनी 0 है, तो 0 इक्वल टू ये 0 हो गया ये बी, तो मेरे पास बी का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। अब ये बी का वैल्यू मैं मेन इक्वेशन में रख के न्यू वन फाइंड कर सकता हूँ, न्यू वन मेरे पास हो जाएगा बी, अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ तो बी अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ तो मेरे पास न्यू वन बराबर क्या हो जाएगा वाई वन वाई एक्स की जगह मैं न्यू वन रखता हूँ और बी की जगह 0 रखता हूँ, तो मेरे पास इसका वैल्यू हो जाएगा ए एक्स, ए एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स, ये मेरे पास किसका वैल्यू आ गया न्यू वन का, और इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या गया न्यू वन डैश वन, ये न्यू वन का और न्यू वन का डेरिवेटिव मेरे पास आ गया। अब मैं सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ, तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन मेरे पास क्या है, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन सेकेंड बाउंड्री कंडीशन मेरे पास में क्या है वाई वन पे वैल्यू कितनी है 0 है, तो इसमें मैं वाई एक्स की जगह मान रखता हूँ, तो वाई वन इक्वल टू ए एक्स की जगह मान रखता हूँ प्लस बी। वाई वन पे वैल्यू कितनी है मेरे पास 0 है, ये बराबर मेरे पास 0 है इक्वल टू ये मेरे पास है ए प्लस बी। यहाँ से मेरे पास बी बराबर क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास b बराबर आ गया माइनस का a, और इसमें a का वैल्यू मेरे पास इसमें मेरे पास b बराबर 0 हो गया, इसमें मेरे पास a बराबर आ गया माइनस का b, इसमें मैं a का वैल्यू रख सकता हूँ, a का वैल्यू मैं इस समीकरण में रखे न्यू टू फाइंड कर सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा न्यू टू बराबर a का वैल्यू मेरे पास कितना माइनस का b, तो ये मेरे पास हो जाएगा b माइनस का b एक्स, तो न्यू टू बराबर मेरे पास हो जाएगा b को मैं बाहर लूँगा तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो न्यू टू बराबर मेरे पास क्या हो गया बी कोफिशिएंट आ जाएगा अपने पास, तो न्यू टू का वैल्यू ये हो गया, और इसका डेरिवेटिव अपने पास में क्या हो गया न्यू टू का डैश बराबर कितना हो गया माइनस का 1, ये अपने पास में न्यू टू और न्यू टू का डैश फाइंड हो गया। अब अपने पास में प्रॉपर्टी आगे इक्वेशन क्या कहती है, ए अपने पास में होता है न्यू वन न्यू टू का डैश माइनस न्यू टू न्यू वन का डैश इक्वल टू 1 अपॉन p x, ये अपने पास में इक्वेशन होती है। पी एक्स जो होता है जो इस इक्वेशन के गुणांक में, इसके गुणांक में कितना अपने पास 1 है, तो ये अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन 1, ये अपने पास a है न्यू वन, न्यू वन का वैल्यू मेरे पास कितना x है, न्यू टू डैश, न्यू टू डैश का वैल्यू मेरे पास कितना माइनस का 1 है, माइनस का 1 माइनस का चिन्ह, वाई टू यू टू, यू टू का वैल्यू मेरे पास कितना है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, न्यू वन डैश, न्यू वन डैश का वैल्यू मेरे पास कितना है 1, इसको मैं अगेन सोल्व करते हैं मेरे पास हो जाएगा ए, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का एक्स, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 1 और प्लस का एक्स इक्वल टू मेरे पास 1, तो यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल आउट, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा माइनस का ए इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया माइनस का 1। अब अपने को इसके लिए क्या करना है, ग्रीन फंक्शन फाइंड करना है, तो ग्रीन फंक्शन फाइंड करने के लिए अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला, ये अपने पास में होता है a y 1 x और y 2 डैश फंक्शन t, x का फंक्शन और t का फंक्शन, ये अपने पास a y 1 डैश x और y2 डैश y2
फंक्शन किसका? टी का। ये अपने पास में वैल्यू होगी जीरो से, एक्स का वैल्यू होगा जीरो से, एक्स डैश और ये वैल्यू होगा अपने पास एक्स डैश से, एक्स डैश से वन तक, जीरो से वन, जीरो और वन। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू मेरे पास कितना माइनस का वन, ए का वैल्यू मेरे पास कितना माइनस का वन, वाई डैश एक्स मेरे पास कितना है न्यू वन, न्यू वन का वैल्यू मेरे पास कितना है, न्यू वन का वैल्यू मेरे पास एक्स, और वाई टू डैश एक्स इसका डैश मेरे पास न्यू टू का वैल्यू कितना है वन माइनस एक्स इसका डैश, ये मेरे पास जीरो से एक्स डैश तक। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स, माइनस का वन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स एक्स डैश माइनस वन, जीरो से एक्स डैश तक। उसी प्रकार से मैं किसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का वन एक्स का डैश वन माइनस एक्स, ये मेरे पास कंडीशन हो जाएगी एक्स डैश से वन तक, ये मेरे पास हो जाएगा एक्स डैश एक्स माइनस वन, एक्स डैश एक्स और वन। तो ग्रीन फंक्शन अपने पास में क्या हो जाएगा, ग्रीन फंक्शन अपने पास में हो जाएगा ये फंक्शन अपने पास में क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, फंक्शन निकाल सकते हैं। ये अपने पास तो क्या हो गया, ग्रीन फंक्शन। ऑप्शन में हम इसको चेक करके और इसको फाइंड कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन, ये अपने को ये दिया गया है, द ग्रीन फंक्शन ऑफ, फंक्शन अपने को ये दिया गया है और बाउंड्री कंडीशन अपने पास में क्या है, वाई जीरो पे जीरो और वाई वन पे जीरो। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अपने पास क्या डिफरेंस है, वहाँ पे अपने को ये वैल्यू पॉजिटिव थी अपने पास, इस वाले क्वेश्चन में अपने पास क्या है, ये वैल्यू नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो अपने पास पी एक्स का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसमें वन अपॉन पी एक्स आ रहा था अपने पास, वन अपॉन पी एक्स का वैल्यू क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था पिछले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में क्या होगा, वन अपॉन पी एक्स का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, पी एक्स होता है, और पी एक्स यहाँ पे कितना है, माइनस का वन। तो हम इसको सोल्व करें, तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास ये जो इक्वेशन होती है इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन अपने पास में होता है वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें वाई जीरो, वाई जीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो है, मैं इसमें एक्स के जगह रहता हूँ जीरो रखता हूँ, तो वाई जीरो पे ए एक्स का वैल्यू जीरो प्लस बी वाई जीरो पे वैल्यू जीरो इक्वल टू बी, बी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब बी का वैल्यू इस समीकरण में रख के मैं यू वन फाइंड कर सकता हूँ, तो बी का वैल्यू इसमें जीरो रखने पर न्यू वन मेरे पास कितना हो जाएगा एक्स, ये जीरो रखने पर ए एक्स और एक्स का क्या होगा एक्स, ये न्यू वन और न्यू वन का डैश मेरे पास क्या हो जाएगा वन, यहाँ से मेरे पास न्यू वन और न्यू वन डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब मैं सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन वाई वन पे वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, वाई वन पे वैल्यू अपने पास जीरो है, तो वाई वन की मैं बात करूं तो वाई वन में इसमें रखता हूं तो अपने पास हो जाएगा ए एक्स की जगह वन प्लस बी, और वाई वन की वैल्यू मेरे पास कितनी है जीरो इक्वल टू ये मेरे पास है ए प्लस बी, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा ए इक्वल टू माइनस का बी। अब ए इक्वल टू माइनस का बी मैं इसमें रखता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, तो मेरे पास न्यू टू का वैल्यू आ जाएगा, न्यू टू का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा बी माइनस ए की जगह रखता हूँ माइनस बी, तो माइनस का बी एक्स, यहाँ से न्यू टू बी को हम बाहर लेते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स, तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी को हम हटा सकते हैं तो अपने पास क्या हो गया वन माइनस एक्स,
न्यू वन का वैल्यू न्यू टू का वैल्यू आ गया, यहाँ पे मेरे पास न्यू टू डेज, न्यू टू डेज का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास वन माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का वन, इसमें हम न्यू वन न्यू टू और न्यू टू डेज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अपने पास में क्या होता है इक्वेशन ए, न्यू वन न्यू टू डेज माइनस न्यू टू न्यू वन का डेज इक्वल टू वन अपॉन पी एक्स, ए का वैल्यू न्यू वन, न्यू वन का वैल्यू मेरे पास क्या दिया गया है, न्यू वन का वैल्यू मेरे पास एक्स, न्यू टू डेज, न्यू टू डेज का वैल्यू मेरे पास कितना है माइनस का वन माइनस, न्यू टू, न्यू टू का वैल्यू मेरे पास कितना है वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स, और न्यू वन डेज, न्यू वन डेज का वैल्यू मेरे पास कितना है वन इक्वल टू वन अपॉन पी एक्स, पी एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना है माइनस का वन, माइनस का वन। इसको मैं अगेन सोल्व करूँ तो अपने पास ये ए, ये कितना हो जाएगा माइनस का एक्स, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का वन और प्लस का एक्स इक्वल टू माइनस का वन, यहाँ से अपने पास एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा माइनस का ए इक्वल टू माइनस का वन, तो यहाँ से ए का वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा वन, ए का वैल्यू अपने पास वन हो जाएगा। अब अगेन हम ग्रीन फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ग्रीन फंक्शन अपने पास में क्या होता है ए वाई वन एक्स वाई टू डेज फंक्शन ऑफ टी, ए वाई वन डेज एक्स और वाई टू फंक्शन ऑफ टी, वैल्यू अपने पास में क्या होती है जीरो से, एक्स का वैल्यू होगा जीरो से एक्स डेज और ये होगा एक्स डेक्स से वन। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, एक का वैल्यू अपने पास कितना है वन, तो ये वैल्यू वन, वाई वन, वाई वन का वैल्यू मेरे पास कितना है एक्स यानी न्यू वन, ये वैल्यू मेरे पास कितना है एक्स, न्यू डेस, न्यू डेस का वैल्यू मेरे पास वाई टू डेस का वैल्यू कितना है मेरे पास वन माइनस एक्स डेस, ये मेरे पास क्या होगा जीरो से एक्स डेस तक। जीरो से एक्स डेस्क तक हुआ, यहाँ से मेरे पास क्या होगा ए का वैल्यू वन डेस यानी कि एक्स डेस, ये मेरे पास हो जाएगा वन माइनस एक्स, एक्स डेस से वन तक, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी इस प्रकार में किसका, ये मेरे पास हो गया ग्रीन फंक्शन। इस प्रकार हम इसके लिए ग्रीन फंक्शन क्या कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हमको अपने को सी एस आई नेट के एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछी गई प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन अपने पास क्या होगा, ये अपने पास में दिया गया है कोई भी ग्रीन फंक्शन है और अपने पास इक्वेशन दी गई है जीरो से वाई जीरो पे और वाई पाई बाई टू पे वैल्यू अपने पास कितना है जीरो है, तो अपने पास कोई इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की फॉर्म में है तो अपने पास उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन अपने पास क्या होगा वाई एक्स बराबर क्या होगा, वाई एक्स बराबर होगा अपने पास ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसका सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा साइन और कोस के टर्म में होगा, तो मैं इसको क्या देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज़ करता हूँ वाई जीरो, वाई एक्स की जगह मैं जीरो करता हूँ तो वाई जीरो पे वैल्यू मेरे पास जीरो दे रखी है तो ये मेरे पास ए साइन जीरो प्लस बी कोस जीरो, तो वाई जीरो पे वैल्यू मेरे पास जीरो है, ए साइन जीरो का मान मेरे पास क्या होता है जीरो होता है, प्लस बी कोस जीरो का मान मेरे पास कितना होता है वन होता है, तो यहाँ से बी इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया जीरो। अब बी इक्वल टू जीरो मैं मेन इक्वेशन में रखता हूँ और न्यू वन फाइंड करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा न्यू वन बराबर, इसमें मैं बी इक्वल टू जीरो रखता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ए साइन एक्स, तो न्यू वन का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा साइन एक्स और न्यू वन का डेस वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा साइन एक्स का क्या हो जाएगा डेस डिफरेंशिएशन कोस एक्स, ये मेरे पास हो जाएगा कोस। अब मैं इसमें यूज करता हूँ सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन मेरे पास में है वाई पाई बाई टू पे वैल्यू जीरो है
तो इसमें मैं पुट करता हूँ वाई एक्स की जगह पाई बाई टू इक्वल टू, या मेरे पास ए साइन पाई बाई टू प्लस बी कोस पाई बाई टू। अब यहाँ से वाई पाई बाई टू, वाई पाई बाई टू का वैल्यू मेरे पास कितना है जीरो है, इक्वल टू ए साइन पाई बाई टू यानी कि साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू वन प्लस कोस ये बी और कोस 90, कोस 90 का वैल्यू क्या होता है जीरो जीरो। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया ए बराबर क्या आ गया जीरो आ गया। अब ए बराबर जीरो में इस मेन इक्वेशन में रखता हूँ और क्या फाइंड करता हूँ न्यू टू। यहाँ से मेरे पास न्यू टू बराबर क्या हो जाएगा ए इक्वल टू में इसमें जीरो फाइंड करता हूँ तो मेरे पास न्यू टू बराबर क्या हो जाएगा बी कोस एक्स यानी कि कोस एक्स और न्यू टू का डेस मेरे पास क्या हो जाएगा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो आगे अपने पास क्या होता है ए न्यू वन न्यू टू का डेस माइनस न्यू टू न्यू वन का डेस इक्वल टू वन अपॉन पी एक्स। ये क्वेश्चन अपने पास में होती है ए न्यू वन, न्यू वन का वैल्यू मेरे पास कितना साइन एक्स साइन एक्स, न्यू टू डेस, न्यू टू डेस का वैल्यू मेरे पास कितना माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स ये माइनस, न्यू टू, न्यू टू का वैल्यू मेरे पास कितना है कोस एक्स, कोस एक्स और न्यू वन डेस, न्यू वन डेस का वैल्यू मेरे पास कितना है कोस एक्स, कोस एक्स इक्वल टू वन अपॉन पी एक्स, पी एक्स इसका गुणांक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कितना है वन, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा वन। तो यहाँ से मेरे पास ए ये माइनस और ये माइनस, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का साइन और साइन साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस कोस और कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, माइनस को मैं बाहर लेता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है वन, तो ए बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस का जाएगा माइनस का वन, ए का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया माइनस का वन। अब अपने को क्या फाइंड करना है ग्रीन फंक्शन, ग्रीन फंक्शन फाइंड करने के लिए अपने पास में क्या होता है, ग्रीन फंक्शन फाइंड करने के लिए अपने पास में होता है ए का वैल्यू ए वाई वन एक्स और वाई टू एक्स डैस, वाई वन एक्स डैस और वाई टू एक्स और ये ए। ये अपने पास में वैल्यू क्या होगा जीरो से जीरो से वन, जीरो से एक्स डैस और एक्स डैस से क्या होगा पाई बाई टू पे। अब एक का वैल्यू अपने पास में कितना है, एक का वैल्यू अपने पास में कितना माइनस का, अब इसमें फोर पुट करें तो जी एक्स और एक्स डैस ग्रीन फंक्शन बराबर एक के जगह माइनस का वन, माइनस का वन वाई वन एक्स, वाई वन का वैल्यू कितना है वाई वन, वाई वन अपने पास न्यू वन, न्यू वन यानी कि साइन एक्स, ये अपने पास क्या हो गया साइन एक्स, न्यू टू, न्यू टू अपने पास में क्या कोस एक्स, तो ये हो जाएगा कोस डेस एक्स, एक्स का वैल्यू जीरो से लेके एक्स डेस तक। आगे एक का वैल्यू माइनस वन, न्यू वन डेस, न्यू वन डेस क्या साइन, तो साइन एक्स का डेस साइन एक्स डेस और ये क्या हो जाएगा कोस एक्स, एक्स डेस से लेके पाई बाई टू तक। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं इस ग्रीन फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ये अपने पास पिछले ईयर में आया हुआ क्या है क्वेश्चन है। तो आज हमने ग्रीन फंक्शन के बारे में देखा, ग्रीन फंक्शन से अपने पास जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तीन क्वेश्चन जो अपने पास पूछे गए उन तीनों को डिस्कस किया और इन्हीं तीन क्वेश्चन में इसी मेथड से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में अपने पास जो भी कोई क्वेश्चन आता है उसको हम यही प्रॉपर्टी यही फॉर्मूले का यूज़ करके इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। चलो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।